यादव जिंदाबाद, जयंत संतोष यादव जिंदाबाद। नमस्ते नमस्ते साहब, हमने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपके समक्ष बहुत बढ़िया बहुत केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वस्त कर दिया है। आपकी बात धन्यवाद है, बहुत अच्छा है। समय तो लगते हैं, हमने आपने तो उसी पर विश्वास कर लिया था जब आप आए यहाँ। नीति ठीक हो वरना तो टाइम क्या लगेगा। अंडरपास की समस्या को लेकर धरना दे रहे तोबड़ा गांव के निवासी और आसपास के निवासियों को मैं ये कहना चाहती हूं कि जो आपकी समस्या थी कि हमारा तोबड़ा गांव रेलवे लाइन के इस पार बसा हुआ है और शमशान घाट उस पार है, और साथ ही 50 गांवों की और समस्या थी कि यहां खंड विकास कार्यालय, म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस और तहसील कार्यालय, ये सारे रेलवे लाइन के इस पार हैं। उनको भी आने जाने में बहुत भारी दिक्कत होती है। समस्या इनकी जायज़ थी और इस समस्या का कैसे निदान हो, जो इन्होंने मेरे को कहा था कि हमारी समस्या को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा कर और प्रयास किया जाए कि इसका समाधान हो जाए, तो आज सुबह 9:15 बजे मैं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी से जो ज्ञापन धरना स्थल पर बैठे लोगों ने मुझे दिया था वो मैंने उनको देने का कार्य किया। विस्तार से समस्या के बारे में बताया गया, उन्होंने समस्या को जायज माना और कहा कि जल्दी से जल्दी मेरी तरफ से लोगों को आश्वस्त करना कि उनकी समस्या को मैं खुद रेल मंत्री से मिलकर और उसको पूर्ण करवाने का कार्य करूंगा। संतोष यादव जी पहले भी आपके बीच आए थे, आपने जी अपना ज्ञापन इनको दिया था और आज फिर संतोष यादव जी आपके बीच में हैं। मैं संतोष जी का और आपका दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। और बहन जी अपने छोटे भाई के पास दूसरी बार आ रही हैं और प्रयास किया है और आज आश्वासन मिला है हमें कि ये बनेगा, जल्दी बनेगा। इन्होंने आज ज्ञापन दिया भूपेंद्र सिंह यादव जी को, उसकी फ़ोटोज़ हमारे पास पहुंच गई थी, सुबह ही पहुंच गई थी, 9:30 बजे पहुंच गई थी हमारे पास। अब धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक अंडरपास का काम स्टार्ट नहीं हो जाएगा। ये बहन जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटा भाई होते होने के नाते माफ़ी मांगता हूँ, धरना ख़त्म नहीं करूँगा। मैंने आपको उम्मीदें तो हैं क्योंकि उम्मीदें हैं। आज संतोष जी आपके बीच मौजूद हैं और आपको आश्वस्त किया है कि जल्दी इसका काम हो जाएगा। मैं इस बात के लिए खुश हूँ बहन जी आई और ये काम करा, हमें विश्वास है इनका काम होगा। क्या कुछ कहोगे इनके लिए? इनके लिए यही कहूँगा जी, प्रयास जब तक ना हो तब तक जारी रखना। बहन जी ने आश्वासन दे दिया तो ये कार्य हमारा होकर के रहेगा। कितना विश्वास है आपको? मुझे इतना विश्वास है कि हद से बढ़ती विश्वास। संतोष यादव जिंदाबाद, संतोष यादव जिंदाबाद, संतोष यादव जिंदाबाद। माता की जय, कोबड़ा वासियों की एकता की जय, संतोष यादव की जय।